दोस्तों स्पीडर मैच कवर करने वाले हैं, जो कि सेकंड T20 मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ए वुमेन्स वर्स इंग्लैंड ए वुमेन्स के बीच मैच खेला जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखना मेरे भाई, क्योंकि ऐसा वीडियो हर किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि हमने फर्स्ट T20 मैच मैंने कवर किया था, मैंने क्लियरली आपको बोला था कि केटे एंडरसन फ्लॉप जाएगी, उसे कैप्टन वर्स कैप्टन मत करना। हमने नहीं किया, मैंने बोला था हैली जेनसन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, आप उनको कैप्टन कीजिएगा हैली जेनसन को, और वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दी जबकि सिलेक्शन एकदम कम था। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अभी से एक वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, क्योंकि 5 बजे आपको फाइनल टीम देता मेरे भाई, और मुझसे अच्छी टीम और तगड़ी टीम और पहली टीम पहले कोई भी आपको नहीं देता है। तो ज्वाइन जरूर से पहले कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज़ भी है जो कि आप बहुत जबरदस्त रहेगा। सबसे पहला काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज़ रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, सर्च करने से नाम बहुत सारे फेक आते हैं, तो आप लोग सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कर लो, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, लिंक 100% काम करता है। मैं क्या प्रेफर करूँगा ना, आप सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, लिंक पे क्लिक करो, लिंक 100% काम करता है, या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए और नीचे आपको एक लिंक पिन कर दूंगा मैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 39,500 से ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे लोग डेली पिन करते हो और डेली अच्छा खासा जैसे खुद रहो। मैंने सुबह मैच कवर किया था, ये PNG कल भी है, मलेशिया PNG का फर्स्ट T20 था, इसको हमने कवर किया, मिनी ग्रैली विन किया, ये मिनी ग्रैली विन किए। उसके अलावा ये हो गया, इसके बाद मैंने कवर किया था सुबह ये वाला मैच देखो, अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप स्मॉल टीम में, और मैंने बोला था हैली जैसे सबसे बेस्ट है कैप्टन को। ऑडियो भी आपको नीचे दे दिया था कि क्या एक्सपेरिमेंट करने अपनी टीम, और मैंने बोला था कि अपने टीम में जो जिसको प्लेयर टू, मैंने बोला था CVC करने के लिए, जिस रियाना को कोई नहीं ट्राई करने में टीम में पिक किए, मात्र 8% सिलेक्शन था। मैंने बोला था पिक ही चला, ये भी जबरदस्त 2-3 विकेट्स लेके दी थी। तो इसलिए बोलते टेलीम से बहुत इंपॉर्टेंट, बस ध्यान रखिएगा कि 39,500 से ज़्यादा लोग जब तक आओगे 40,000 लोग भी हो जाएंगे यहाँ पे, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करता हूँ, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह नहीं, कि स्टार्ट्स देखा, सिलेक्शन देखा, टीम क्रिएट किया, मैं लास्ट बचे स्कोर कार्ड पे फेक करूँगा, क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं होता। अगर आप स्टार्ट्स देखकर टीम क्रिएट करते हो, इसका मतलब है कि आपको बहुत कम नॉलेज है, तब आपको स्टार्ट्स देखना पड़ रहा है। हमको हर एक प्लेयर का नॉलेज है, तो मैं फालतू का स्टार्ट्स क्यों देखे भाई, मुझे हर एक प्लेयर का नॉलेज है। जो स्टार्ट देखते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत सी बता रहा हूँ, अब एक टाइम में कोई भी वीडियो ओपन करके देख लो, सभी आपको ज्ञान देते हैं, नजर आएंगे कि स्टार्ट देखकर टीम क्रिएट करेंगे। मेरे भाई स्टार्ट से बाहर निकल के थोड़ा रिस्क लेके देखो, अगर आपके पास स्किल है तो रिस्क ले पाओगे, अदरवाइज स्टार्ट से कोई रिस्क नहीं ले पाता, स्किल से रिस्क ले पाते। अच्छा मैच है भाई, मैं तो इन्वेस्टमेंट करूँगा दबा दबा के, मतलब कि भाई क्योंकि मुझे वुमेंस मैच खेलने की आदत है, वो मुझे नशा है भाई वुमेंस मैचेस की, मैं पहले बोल रहा हूँ। ये जो मैच नंबर एक अच्छी सीरीज है भाई, मैं इन्वेस्टमेंट करना प्रिफर करूँगा। जो मैच मैं कवर कर रहा हूँ वो सेकंड मैच से, इसका ध्यान रखिएगा ठीक है। फिर और जो लास्ट टाइम खेला कैसे जा रहा था, एक बार मतलब कि लास्ट टाइम क्या कैसे खेला जाता था याद होगा, एक बार इंग्लैंड एक ही टीम खेल रही थी, एक बार न्यूजीलैंड एक ही टीम खेल रही थी, लेकिन इस बार दोनों ही डोमेस्टिक टीम है, हालांकि नाम के डोमेस्टिक है, मैक्सिमम प्लेस इंटरनेशनल मैचेस के हैं, मतलब ये क्या ही बोलो, छोड़ो ओपन करते, मेरे कहने का मतलब समझे कि सिर्फ नाम का न्यूजीलैंड ए लिखा है और इंग्लैंड ए लिख रखा है, मैक्सिमम तो यहाँ पे मतलब इंटरनेशनल के ही है। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के क्लियर करते हैं, केटन एंडरसन जैसे मैंने प्रेडिक्शन शेयर किया था यूनिवर्सल कैप्टन थी, फ्लॉप गई, डक आउट हो गया। मैंने भी बोला था बॉलिंग नहीं करेगी, बॉलिंग की भी नहीं, मैंने बोला था वीडियो में कि बॉलिंग नहीं करेगी केटन एंडरसन, सच्चे सारी, हालांकि थोड़ा सा होप था लेकिन मेरे से भी कवर नहीं किया था। जॉर्जिया प्रीमियर सबसे होप हमेशा रहता है, वरना बैटिंग करती फॉर्म टाइप के प्लेयर 34 रन स्कोर की टीम से। उसके अलावा और टीम से देखोगे तो मैकली करेंगे इनफॉर्म प्लेयर है, फ्लोरा भी एक इनफॉर्म प्लेयर है, फ्लोरा लास्ट जो बॉलिंग नहीं की थी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकर से पैक जो कि फिर सिग्ना बैटिंग करने आई थी 16 रन स्कोर की टीम से, हैली जेनसन ये भी हिटिंग करने आई थी भाई, बॉलिंग लिस्ट विकेट कीपिंग करी, तो बैटिंग ऑर्डर तो वही है जो लोग न्यूजीलैंड ए में यूज़ किए थे, नहीं यूज़ करे थे रिसेंटली, वही बैटिंग ऑर्डर है भाई। हाँ एक है कि ब्रांडिंग नहीं खेली थी लास्ट बचे, अगर ब्रांडिंग खेलती तो ब्रांडिंग ओपन करते, बट ब्रांडिंग खेली नहीं लास्ट बचे, तो ध्यान रखिए न्यूजीलैंड एक आप बॉलिंग बैटिंग ऑर्डर के लिए रहे, एक आप बॉलिंग नेप्स के लिए बात थे। तो न्यू से सी ग्रीन ने स्टार्ट की, थोड़ा सा मतलब कि देखो पहली बात तो सी ग्रीन को जब भी मैं पिक करता हूँ, अब मतलब हमेशा मतलब देखो ऐसे प्लेयर सी ग्रीन, इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, सी ग्रीन के बारे में कभी कल विकेट ले जाती है, कभी कल विकेट्स लेती है, जब विकेट लेती है तो 3-4 विकेट गुच्छों में विकेट लेती है भाई, गुच्छों में विकेट लेती है। तो कवर चल सकते हो, हैली जेनसन टीम से कैप्टनसी करी, लास्ट मैच मैंने कैप्टन किया था 4 ओवर बॉलिंग की और साथ ही साथ। तो चलो ये क्लियर हो गया, अब बिना माइक की वीडियो शूट, क्योंकि माइक वाले डिस्चार्ज हो गया और मेरे पास टाइम बहुत कम बचे हुए हैं, तो मैं सोचा चलो वो सब छोड़ो, ये क्लियर हो गया, बॉलिंग क्लियर हो गया, क्लियर हो गया था क्या, नहीं सीग्रीन तक गया। हैली जेनसन टीम से जबरदस्त बॉलिंग की थी, 3 विकेट चटकाए, मॉलीफेड फील्ड का प्रेडिक्शन दिया था, कवर करके चला 3 विकेट चटका के दी, लेकर स्पेक बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग तो की लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक ही विकेट ली। सरस स्विम थोड़ा सा मेरे लिए देखो मैं बोलूंगा मेरे लिए एक मतलब जा रहा था रिस्क लेने, लेकिन मेरे यहाँ पे किस्मत मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया, ये फ्लॉप गई भाई 4 ओवर बॉलिंग के बट फिर भी फ्लॉप गई, जबकि 3-3 विकेट चटकाने वाले प्लेयर है। तो ये तो काफ़ी परफेक्ट लाइनस मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड एक
बॉलिंग लाइनअप्स की अच्छी बात है कि सब फ्लोरा को इंक्लूड नहीं किए, केट एंडरसन को इंट्रोड्यूस नहीं किए, अदरवाइज सब जानते हो कि प्रसाद की तरफ बॉलिंग को बांट दिया जाता है सभी में। एक बार इनका डेथ में बॉलिंग देखते हैं कि कौन किए डेथ में बॉलिंग, तो लाइव में जाते इधर से तो रियाना डेथ में बॉलिंग की तो मुझे पता था इसलिए मैंने कवर किया था रियाना को, लेकिन बार देख लेता हूँ इनकी टीम से कौन डेथ में बॉलिंग किया था क्योंकि इनका यहाँ तक मैं बिजी था वीडियो शूट करने में, मैच लाइव नहीं देख पाया था भाई। कहाँ भी चल जाता हूँ यार टच करते करते। ईमान को पिक किया बहुत दिन हो गया मुझे यार, पता नहीं कब पिक करूँगा। डेथ में कौन बॉलिंग किया था भाई, मॉली पेनफील्ड किए थे जैसे मुझे लगा ही था वीडियो में भी बोल रहा था चीज़, हालांकि हेलीजेंस से होता बट मॉली पेनफील्ड डेथ में बॉलिंग की। चलो ठीक क्लियर है, एक बार इंग्लैंड वाले को देख लेते हैं तो ईमान लेम, हालांकि मैं कवर नहीं किया बट तगड़े प्लेयर है भाई ईमान लेम, मतलब कि टॉप क्लास ऑलराउंडर है। मैडी विलियर से मेरे बोला सीबीसी भी कर सकते थे, एक अच्छी ऑप्शन है ओपनिंग कर रही है भाई मैडी विलियर, हाईली के पेसे से एक बॉलर और बहुत पुरानी बॉलर है टीम से। गैसेस केविंस जो कि टीम दस वरना बैटिंग करी इस बार कैप्टनसी नहीं करिए, फ्रैक एम फोना बैटिंग करेगी, जॉर्ज एडम्स फिर ना बैटिंग करेगी, मैंने बोला था कि जॉर्ज एडम्स का मतलब स्कोर करेगा टीम पहले बैटिंग है इसलिए मैंने कवर किया था, और 65 रन की नॉट आउट पारी खेली टीम दस बंदी ने। उसके अलावा सैन स्मैल जो कि टीम दस हर को जानता है, अगर आप द 100 वगैरह सेज खेलेंगे तो आपको याद होगा इनके बारे में, जबरदस्त प्लेयर है। उसके अलावा स्टर्वी जो कि टीम विकेट कीपिंग करी तो बैटिंग ऑर्डर इनका भी कोई कमजोर नहीं है। इमालैम जो कि तगड़ा प्लेयर टीम दस से तगड़ा ऑलराउंडर है, मैडी विलियर्स जो कि आजकल अच्छी हिटिंग कर रही है लेकिन बॉलिंग शानदार करती है, जिसके मीन पर अच्छी हिटिंग करती है फ्रैंक कैंप है, जॉर्जी एडम्स है, तो बैटिंग ऑर्डर इनका कोई कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। एक बार भी इनका बॉलिंग से नजर आते नहीं बोल सकूँ स्टार्ट करें तो ताज फर्ने जो कि है टीम से बैटर बट फिर भी चार ओवर बॉलिंग की दो विकेट चटकाई भाई, ऐसा होप नहीं था। मैं आपको बता दूँ ये नहीं वार्म अप मैच है, प्रैक्टिस मैच है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एक्चुअल में आप सोचे प्रोफेशनल T20 मैच है जैसे डोमेस्टिक ही खेले बट ये प्रैक्टिस एक्चुअल में चल रहा है, प्रैक्टिस है। उसके लिए ऐसे पोर्ट्स क्योंकि मैंने सोचा था पिक कर लूँ लेकिन मैंने कवर नहीं किए एक ही विकेट ले, रियाना मुझे पता था डेथ में बॉलिंग के इसलिए दो विकेट लेके गए और साथ ही मैंने कवर भी किया था। उसके लिए क्रिस्टिन गॉर्डन तीनों बॉलिंग की थोड़ा सा मेरे लिए अलग ही गई लेकिन हाँ अच्छी बॉलिंग करती है, मैडी विलियर चारों बॉलिंग की, जॉर्ज एडम्स भाई एक विकेट भी चटका के देते। चलो बात करते प्लेयर वाइज सेंस, ज़्यादा इधर टाइम पास नहीं करते भाई, देखो हर एक बंदे को बोल रहा हूँ अगर मैं आपके लिए विन करा लूँ ना तो बहुत ज़्यादा मतलब कि देखो मतलब मुझे तो खुशी मिलती है लेकिन वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना यार, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बात करते प्लेयर वाइज सेंस से गई यहाँ तक, मैं आप ही के बदौलत है मतलब आप ही की सपोर्ट किया है, हर एक बंदे को मतलब कि दिल से तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक सपोर्ट दिखाया है। आज आई थिंक 28,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और हो सकता है रात तक 40,000 लोग अपने टेलीग्राम पे हो जाएंगे, ये मुझे ही पता है, लेकिन आप ही के लिए हमने अपना खुद का फैंटेसी ऐप लॉन्च किया है जहाँ पे जो अब कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा, अभी 80% ऐप मतलब बन चुका है, 80% उस पर काम हो चुका है, 20% जो बचा हुआ है वो भी कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अपना खुद का फैंटेसी ऐप कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगी जिससे 50 ऐसे फीचर्स ऐड किए जो कि आज तक आपने किसी भी फैंटेसी ऐप में नहीं देखेंगे, लिटरली किसी भी ऐप में 50 ऐसे फीचर्स ऐड किए। सोचे पड़ जाओ कि यार इतना ज़्यादा पैसा इस पे कैसे छाप रहे, कोई बैटिंग नहीं रहेगा उसे पे, टोटल 100% फैंटेसी रहेगी, 100% फैंटेसी। तो सबसे पहला काम कीजिए उसका प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट चल रहा है, ठीक है अभी तक 500 लोग कर चुके, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं है तो प्री रजिस्ट्रेशन जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना, मैं इस तरीके से लिंक दे दूंगा, कुछ दिन से मैंने लिंक शेयर नहीं किया बट हाँ बता रहा हूँ, प्री रजिस्ट्रेशन जरूर से कंप्लीट कर लेना मेरे भाई। देखो कुछ इससे फैन पर हमारा खुद का फैंटेसी ऐप है जो कि खुद का है, मेरा खुद का फैंटेसी ऐप है जो ट्राई करना, अपना खुद का ऐप है फैनवर्स पे जाके आप प्री रजिस्ट्रेशन जरूर से कंप्लीट कर लेना, कुछ ही दिन में ऐप लॉन्च हो जाएगा तो आप इस तरीके से लिंक पे क्लिक करना, इस लिंक पे जाना, क्लिक करोगे जस्ट लिंक पे क्लिक करोगे आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली आ जाना, फैनवर्स पे क्लिक करोगे प्री रजिस्टर का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करना, अपना मनपसंद यूज़र नेम अभी सेलेक्ट कर लो क्योंकि बाद में ऐप लॉन्च होगा तो उससे शायद आपको मनपसंद यूज़र नेम ना मिले, लेकिन अभी अपना यूज़र नेम ले लेना, मेल आई डाल देना, फ़ोन नंबर डाल देना और रजिस्टर पे क्लिक करके आप सक्सेसफुल रजिस्टर कर लोगे, कोई रेफरल कोड कोई OTP वगैरह भी शेयर करनी होती है, जब ऐप लॉन्च होगा तब साइन अप कर लेना सब डाल के, लेकिन अभी ये तीन चीज़ फिलअप कर देना जिससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा बताता हूँ। अभी मैंने अपने टीम मेंबर्स को बोल रखा हूँ कि 2,000 लोगों को रियल कैश दूंगा अपनी साइड से, 2,000 लोगों को, तो जरूर से आपका लेना क्योंकि अभी भी 1500 इंटरेस्ट बच रखे, 1500 इंटरेस्ट अभी भी बच रखे, अभी तक सिर्फ 500 इंटरेस्ट फुल हुए, यानी कि 1500 लोग के पास अभी भी मौका है, जब वो साइनअप करेंगे तो रियल कैश मिलेगा, अगर एक बार ऐप लॉन्च हो जाएगा उसके बाद साइनअप करेंगे तो उस समय बोनस ही मिलेगा, तो जरूर से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई सभी के लिए बोल रहा हूँ, सभी भाइयों को बोल रहा हूँ, फैनवर्स अपना खुद का फैंटेसी ऐप है, हेडक्वार्टर में बता दो तो अपनी दिल्ली में ही है, तो जरूर से ट्राई करना, कुछ ही दिन में ऐप लॉन्च हो जाएगा, 80% ऐप बन चुका है, 20% जो बचा है वो भी मैं दूर मत कर दूंगा कमी को, और 50 ऐसे फीस है, ये मत सोचना कि ऐप जब लॉन्च होगा भाई तब हम ट्राई कर लेंगे, नहीं उस समय तो ट्राई करोगे लेकिन उस समय वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा जो अभी मिल रहा है, एक यादें रहेगी कि हाँ फर्स्ट 2,000 लोगों में से ये है मेरे,
तो डेली गिव अवे वगैरह भी करेंगे और साथ ही साथ प्राइजेस भी देंगे कि हाँ यार इन लोगों ने उस समय सपोर्ट किया था जिसमें बहुत जरूरी था। अभी 500 लोग बुक कर चुके, अभी लेकिन 1500 एंट्रेंस ओपन है। तो प्लीज़ सभी को रिक्वेस्ट है लिंक पे क्लिक करना, इससे ऑप्शन आएगा प्री रजिस्टर पे क्लिक कर लेना। मैं आपको टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर कर देता हूँ। एंड बात करते हैं प्लेयर वाइज सैलरी से, चलो लास्ट जो मिनिंग रैली भी इनके थे गिव अवे करते हैं। बात करें विकेट कीपर शेयरिंग, देखो अगर आप चाहते हो कि लास्ट मैच की तरफ विनिंग करें, प्रेडिक्शन शेयर करें, तो इस वीडियो में जो से गिव अवे एक छोटा सा नीचे हम गिव अवे कर रहे हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। हर एक भाई को बोल रहा हूँ गिव अवे पार्टिसिपेट करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको कमेंट करना है कि इस मैच में मोस्ट विकेट कौन सा प्लेयर लेगी, मोस्ट विकेट आपका जो भी आंसर हो। मेरा आंसर है मेरा आंसर मॉली पिनफील्ड है, बट आपको हो सकता है हैली जेंसन हो, तो आप कमेंट करके करके चल सकते हो। आपको ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकर से पैक हो सकती है, फ्रैक कैंप हो सकती है, मेडिविलियर्स हो सकती है, या फिर आपका ऑप्शन हैली जेंसन हो सकती है, मॉली पिनफील्ड हो सकती है, किशनी गोडर हो सकती है, सी ग्रीन हो सकती है, रिस्टेकर के लिए तो सी ग्रीन रहेगी जो रिस्टेकर है। तो अपना राय मुझे मतलब कि आंसर मुझे कमेंट कर देना। अगर आपका आंसर राइट रहेगा तो हमारे चैनल से मिलेगा फ्री पेटीएम गैस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब उसे कर लेना भाई, सभी जगह से सब्सक्राइब उसे कर लेना भाई। यहाँ तक आपके सपोर्ट से, देखो विकेट के पास कोई भी पिक कर लो, कोई जरूरी नहीं है, मैं बॉलिंग ज़्यादा प्रेफर करूँगा। हालांकि स्मेल टीट और उदा 100 के चिप प्लेयर है, लेकिन बॉलिंग इंटरनेशनल मैच की प्लेयर, तो मैं थोड़ा बॉलिंग के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अगर ब्रैंडन खेलेंगे तो ब्रैंडन के साथ जाना। मैं प्रेडिक्शन शेयर करते चल रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप मैं लास्ट में देखना चाहूँगा कि फ्रैंक कैंप ने क्या किया था बॉलिंग में। लास्ट में फ्रैंक कैंप ने बॉलिंग नहीं की ना, मुझे पता तो बॉलिंग नहीं करी। जॉर्ज एडम्स पहले तो बॉलिंग भी कर रही है, बैटिंग भी कर रही है, और टीम दस इनफॉर्म टाइप के प्लेयर भी कवर कर रहे हैं। इमाल लैम लास्ट मैच मैंने ड्रॉप किया था, इस बार भी शायद ड्रॉप करूँ, बट हाँ पिच उतना भी बॉलिंग फ्रेंडली नहीं है जितना कि हम ड्रॉप करते। जॉर्जिया प्लिमर अगर पहले बैटिंग करे तो बहुत तगड़ी खेल सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, अकेले सेंचुरी तक मार सकती है। सामने कमजोर टीम है, हालांकि कमजोर नहीं है लेकिन फिर भी अकेले संभाल सकती है टीम को। तो अगर टीम पहले बैटिंग है तो जॉर्जिया प्लिमर को ड्रॉप मत करें। दास पेंडेंट फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग कर रही है, हो सकता है बॉलिंग करे लेकिन मैं कुछ कन्फर्म नहीं कर रहा, तो फिलहाल एक ही पिक करके चलते। उसके अलावा कैटन एंडरसन पहली बात तो ओपनिंग कर रहे, लोग कवर करें अंधभक्त की तरह, मैं मना नहीं करूँगा भाई, आप अपनी जगह पर परफेक्ट है, लेकिन कैटन एंडरसन हो सकता है अगर मैं ड्रॉप करूँ तो बॉलिंग करके विकेट्स लेके चल जाए। तो कैटन एंडरसन अगर मैं ड्रॉप करूँगा, पावर हिटर है, अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा तो उसके भी दिक्कत ही है, इसलिए कैटन एंडरसन को कवर कर चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है रिस्की ऑप्शन है। लेकिन क्या है, हालांकि लोग इनको सीवीसीवी करके आएंगे ना, मान लो मैंने डिपेंड ड्रॉप कर दिया, 40 रन मार दी तो 80 तो मतलब कि भाई मैं पीछे ही हो जाऊंगा अगर कोई कैप्टन करके आएगा 80 पॉइंट्स, 80 का 100 हो जाता है भाई ऐसे। तो लेकर से पे कवर कर लो। फ्रैंक कैंप बॉलिंग नहीं करी बट अच्छी प्लेटिंग से फोर्थ बैटिंग करी। अगर मुझे बैटिंग से पॉइंट चाहिए तो मेरे भाई मैं ईमालम के साथ नहीं चल जाऊँगा, लेकिन फ्रैंक कैंप बॉलिंग नहीं कर रही, लास्ट कुछ मैचेस में देख रहा हूँ, लास्ट कुछ मैचेस में बॉलिंग नहीं की अभी तक, तो ध्यान रखिएगा। मेडिविलियर्स बैटिंग बोली दोनों करी, फ्रैंक कैंप से भी अच्छी ऑप्शन है। लोग 80% लोग ट्राई करें भाई, आप अपनी जगह पे सही है, मैं मना नहीं कर रहा। फ्रैंक कैंप अच्छे प्लेयर है, मैं खुद मानता हूँ, अगर मेरा किस्मत खराब होगा तो ही ये बॉलिंग करेगी, लेकिन अभी बॉलिंग नहीं करते मैं क्यों कवर। फ्लोरा वगैरह सोफिया मुंडो खेलेगी ना, बता दो सोफिया मुंडो से अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, विदाउट हर स्पेशलिस्ट है। उसके लिए बॉलिंग से सबसे हैली जेंसन इंपॉर्टेंट है, मॉली पिनफील्ड इंपॉर्टेंट, गॉर्डन कैप्टनसी करे, सी ग्रीन ट्रम्प कार्ड है, नीचे जी पोर्ट्स अच्छी, सरन सिम्पसन अच्छी है, रियाना अच्छी, विद्यार्थी बॉलिंग करे रियाना। मेरे भाई अब 11 प्लेयर आप पिक करोगे अपनी टीम में तो सेम वीडियो टीम ही बन जाएगी, मतलब कि सेम वही टीम बन जाएगी। फ्रैंक कैंप को लोगे तो सेम लास्ट मैच की तरह टीम बने, बट लास्ट मैच की टीम से थोड़ी विन किया जाता है मेरे भाई, थोड़ा सा उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको कि अपना 11 प्लेयर किसको पिक करें। मैं अगर आप मेरी टीम को फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता है मैं रिस्क किसके ऊपर लेने वाला हूँ। आप बताओ थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मैं किसके ऊपर रिस्क लूँगा, इतने सालों से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मैं किसके ऊपर रिस्क लूँगा? चलो ऑप्शन देता हूँ आपके पास, क्या मैं मैकलिगर या फिर जॉर्जिया प्लेमर में किसी के ऊपर रिस्क लूँगा या फिर ईमाल लैम के ऊपर? कुछ महान लोग होंगे, कुछ कोई मतलब कि बहुत पीछे मतलब कि बहुत पुराने होंगे, उनको पता होगा कि ईमाल लैम मेरी फेवरेट मतलब कि ऑलराउंडर है, तो कुछ लोग बोलेंगे ईमाल लैम के ऊपर रिस्क लेने वाले, बट मैं बता दूँ जॉर्जिया प्लेमर अगर पहले बैटिंग कर तो मेरे भाई भी ड्रॉप करता कभी नहीं हो, तो ध्यान रखिएगा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जॉर्जिया प्लेमर। बस दास पेंडेंट क्या है कि बॉलिंग कर रही है, तो बॉलिंग के हिसाब से तो दास पेंडेंट भी अच्छी ऑप्शन है, या फिर दस फ्रैंक कैंप को पिक कर सकता है, तो फ्रैंक कैंप बॉलिंग नहीं कर रही, दिक्कत ही है ना। वार जी पोर्ट्स के साथ जा सकते हो, अच्छी बॉलिंग कर रही है, तो देख लो जी पोर्ट्स चाहिए या फ्रैंक कैंप चाहिए, ये थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है किसके साथ जाना है। जी पोर्ट्स के साथ जाओगे तो अच्छी बॉलिंग कर लेती है मेरे भाई, चारों बॉलिंग कर रही है, बट जरूरी नहीं है कि हर मुझे चारों बॉलिंग यही करे। और अगर देखा जाए तो फ्रैंक कैंप भाई, देखो पर्सनल तो जी पोर्ट्स मुझे अच्छी ऑप्शन नहीं लग रही भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, लेकिन लोग कवर कर रहे, सबसे अच्छी बॉलिंग फोर ये की है रियाना की है, सबसे अच्छी बॉलिंग तो रियाना को, तो सिर्फ लास्ट मैच कवर किया ही था टीम, तो से कितना 2 विकेट लेके आ रही है,
तो अपने 11 पे किसी सारा सबसे अच्छी ऑप्शन है, बट मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ फ्रेंक कैंप के ऊपर। शायद नहीं, फ्रेंक कैंप बॉलिंग नहीं कर रही रिसेंट मैचेस में, हालांकि हाई टीम से बॉलर ही बट फोर ना बैटिंग करे, तो देख लेना। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर टीम पहले बैटिंग है तो मैं जॉर्जिया प्लिमर के साथ जाऊँगा, न्यूजीलैंड का पहले बैटिंग है तो जॉर्जिया प्लिमर को, अगर पहले बैटिंग करेगी तो इस टीम को यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड का पहले बैटिंग करेगी तो, अगर पहले बॉलिंग करेगी तो मैं इस टीम को यूज़ करूँगा, जी बोर्ड्स के साथ जाऊँगा। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कुछ ज़्यादा ही बॉलर स्ट्राइक करिए, मेरे भाई यही पॉइंट्स देंगे, यही सब पॉइंट्स तो दे ही रहे हैं भाई, किसके साथ जाओ, किसी के साथ। 2, 4, 6 बॉलर्स यहाँ पर पिक कर लिए, ये सब बॉलिंग अलग ही कर रहे हैं भाई, तो सेम टीम बुक कर दो, सेम टीम के साथ यहाँ से यहाँ तक सब बॉलिंग करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक सब बॉलिंग करेंगे। लेकिन बता रहा हूँ इनफॉर्म प्लेयर्स को ही कवर किया, कुछ आपको था इसके पर चीप और अच्छी बॉलिंग करें, सबसे बढ़िया थे पावर प्ले बॉलिंग करें, दिक्कत ही है ना पावर प्ले में बॉलिंग करें। मैडी प्लेस एक अच्छी सी भी थी, लेकर से पैक अच्छी है, अच्छी बॉलिंग करी, हैली जेंसन को भी करें, मॉली पेनफील्ड अगर पहले बॉलिंग की तो मॉली पेनफील्ड को करना, क्योंकि ये टीम से जबरदस्त ऑप्शन हो सकती है। बट फिलहाल के लिए मैडी विलर भाई चारों बॉलिंग कर रही, मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में। लेकर से पैक अच्छी बॉलिंग कर रही, लेकिन दिक्कत ये है कि वो फिर से इतना बैटिंग कर रही है, देखोगे तो लेके कैर से पैक हाँ चारों बॉलिंग की है, लेकिन बैटिंग के बाद 2, 4, 6 सीधा बैटिंग के फ्लोरा बॉलिंग नहीं कहते। मैं हैली और मैं लेकर से पे के साथ ही सेटिसफाइड हूँ एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन मैडी प्लेस के साथ जा सकते हैं, हैली जेंसन के साथ। अगर मैं हैली जेंसन के साथ जाऊँगा तो जोरी निहाल मुझे ए विकेट्स लेके जाएगी, ऐसा जूनियर जो अगर आप ग्रैनी लवर्स हो ना, मिनी ग्रैनी खेल रहे हो, तो मेरे भाई मैं परसों बता रहा हूँ इस मैच में सीग्रीन ज़्यादा पॉइंट सबको देके जाएगी, पक्का बोल रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि सीग्रीन 3 विकेट्स लेके जाएगी, 3 विकेट सीग्रीन, पक्का बोल रहा हूँ सीग्रीन पक्का विकेट्स लेके जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। बट फिलहाल के लिए मैं सेफर साइड के लिए मैडी प्लेयर्स के साथ जा रहा हूँ, अच्छी प्लेटिंग वैसे, बट अगर आपको बॉलिंग से पॉइंट चाहिए तो हैली जेंसन के साथ जाते हैं, क्योंकि पावर प्ले बॉलिंग करेगी, स्टार्ट करेगी, ओपन करेगी भाई, इसलिए हैली जेंसन के साथ। कुछ लोग बोलेंगे आज कहाँ रिस्क लिए हो भाई, मैं रिस्क नहीं लिया ज़्यादा, लेकिन हाँ विनिंग टीम में क्रिएट चूज किया हूँ, मुझे विन करने से मतलब है। सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो, सेम टीम के साथ सेम टीम जाकर इन्वेस्टमेंट करो। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो छोटा से छोटा डाउट तो उसे कमेंट कर देना, सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर लो। जी पॉट्स आपको थोड़ा सा रिस्की लगेगी बट से बहुत सेफर ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वन ऑफ मैचेस है, थोड़ा सा रिस्की लगेगा लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। हालांकि मैं स्मॉल टीम प्रोवाइड तो किया हूँ, लेकिन ग्रैंडली के लिए तगड़ा मैच हो सकता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि भैया लाइव आओ तो मैं डेफिनेट लाइव आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि लाइव आके टीम क्रिएट करो तो मैं लाइव आऊँगा। चलो कल संडे लाइव आते, लाइव आए, क्योंकि फर्स्ट मैच मिनी गैली विन किए, इससे पहले भी अच्छा सीरीज, चलो लाइव आते, ठीक है। लाइव मिलना, 5 बजे अलार्म सेट करो, मैं अलार्म सेट कर लेता मेरे भाई, अलार्म सेट कर लो पहले तो, तगड़ी विनिंग मुझे करनी है। 5 बजे का एक अलार्म हो गया और एक मुझे 4 बजे का सेट करना है, क्योंकि 4:20 4:25 का नहीं, 4:25 का ही करते, क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस करने उठना है ना। 5 बजे टॉस होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ना 35 मिनट पहले इसलिए उठूँगा ताकि थोड़ा सा एनालिसिस कर सकूँ और थोड़ा सा रिस्क मतलब रिस्क प्लेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूंगा, ताकि मुझे रिस्क लेने बनेगा। इसलिए एक 4:25 का अलार्म सेट किया हूँ, ये मेरे लिए और ये आपके लिए है 5 बजे का। चलो सेम टेक बुक कर दो, सेम इन्वेस्टमेंट करने जा सकते, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते इस मैच में। आफ्टर टॉस में अपडेट करूँगा, सब्सक्राइब कर लेना, मैं लाइव जरूर आऊँगा, ठीक है। लाइव मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम चैट ज्वाइन कर लेना फाइन टीम के लिए। सेम टेक बुक कर दो, सेम टीम का लेकर से पहले कैप्टन वाइस के पहले जेंस है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो फाइन टीम के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, 39,500 से ज़्यादा लोग हैं, ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम और विनिंग टीम तगड़ी टीम ही देंगे, तो जरूर से ज्वाइन करना।